परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं और आपने प्रत्येक मनुष्य के लिए अद्भुत युक्ति रखी है जिसके द्वारा प्रभु हमें आप शारीरिक जीवन से छुड़ाते हैं जब हम अपना समर्पण आपके समक्ष करते हैं और हमको उस नए जीवन में प्रवेश कराते हैं जिसे आत्मिक जीवन बोलते हैं और हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए नियुक्त होता है और आप प्रभु हमें अपने आत्मिक जीवन में परिपक्व बनाकर अपने पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा प्रगटीकरण करके हमको अपनी महिमा के लिए यूज़ भी करते हैं और प्रभु अपनी महिमा हमारे जीवन से प्रकट करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी अद्भुत युक्ति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके अद्भुत प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी अद्भुत सामर्थ्य के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 75 में हम लोग पहुंच गए हैं और आज हम स्टडी में चलेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोल एंड स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी। इन मानवता में प्राण और आत्मा का क्या अंतर है। प्राण और आत्मा, ये बहुत टफ सब्जेक्ट, मैं आपको फिर बता रहा हूं, और इस सब्जेक्ट को कोई छूता नहीं है जल्दी। यहाँ पे प्राण का मतलब भी आत्मा ही है। अगर आप हिंदी वर्जन में देखेंगे तो आत्मा वर्सेस आत्मा लिखा होगा। तो ये प्राण को मनुष्य की आत्मा बोलते हैं, जिसे लोग संसार में जीव आत्मा बोलते हैं। कभी कंफ्यूज मत होइएगा, जीव आत्मा का मतलब होता सोल और आत्मा का मतलब होता प्राण। आत्मा का मतलब आत्मा होता है, प्राण का मतलब होता है जीव आत्मा, सोल इंग्लिश में। और सोल जो है, सोल में ऐसा क्या है जहां से दो भाग हो जाते हैं। सोल हमारा इंटरमीडिएट पार्ट है, यानी बीच का पार्ट। एक होता शरीर और दूसरी होती आत्मा, बीच का पार्ट है वो है प्राण। और प्राण जो है परमेश्वर का अद्भुत कार्य, अद्भुत प्रेम और अद्भुत युक्ति हमारे इसी भाग से काम को शुरू करती है। और मालूम है आपको, इसी भाग को आप प्राण को ही मन कह सकते हैं। प्राण का जो सबसे प्रमुख भाग है वो है मन। अब शारीरिक मनुष्य फोकस्ड होता है, उसका प्राण फोकस होता है सिर्फ शारीरिक बातों में, शारीरिक इच्छाओं में और शारीरिक गतिविधियों में। किसने क्या बोला, किसने क्या किया, कौन कहाँ गया, क्यों गया और किसने क्या पहना, किसने क्या खाया, किसने क्या खिलाया, ये बस सारी बातें सिर्फ शारीरिक। और आपको मालूम है, दुख की बात है, परमेश्वर को आपकी शारीरिक बातों से कोई मतलब नहीं। आप सारी जिंदगी करते रहिए, वो सारी जिंदगी कहेगा ठीक बोलते रहो, कोई फर्क नहीं उसका पड़ता। और शारीरिक व्यक्ति की किसी बात का परमेश्वर पे इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। और मनुष्य के अंदर जो उसने आत्मा रखी थी, हमारी आत्मा ही वो हिस्सा है, वो भाग है जो परमेश्वर की आत्मा से संपर्क स्थापित कर सकता है। वरना शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के से संपर्क भी नहीं साध सकता। तो किस प्रकार की शारीरिक साधनाएं लोग करें, ये शारीरिक साधना से कोई लाभ नहीं है। वचन में लिखा हुआ है शारीरिक साधना से कम लाभ होता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शारीरिक साधना का मतलब योगाभ्यास, इससे थोड़ा लाभ मिलता है, ये फिजिकल आपको बेनिफिट मिलेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आपके मन को काबू करने में शारीरिक साधना का कोई भी योगदान नहीं होगा। आप योगा से अपने मन की इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, भ्रम है। जो लोग योगा कर रहे हैं वो भी अपनी इच्छाओं को अभी तक वश में नहीं कर पाए हैं, उनके पास भी यानी अनब्रिडल्ड डिजायर्स जिसको बोलते हैं, अभिलाषा हिंदी में बोलते हैं, यानी ऐसी इच्छाएं जिन पर कोई नियंत्रण ही नहीं रहता उनके मन का। वो इच्छाएं जो आपके मन पर हावी हो जाती हैं, अनियंत्रित इच्छाएं जो होती हैं वो अभिलाषाएं कहलाती हैं हिंदी में, अनब्रिडल्ड डिजायर्स, लस्ट भी बोलते हैं उसको। हमने इसके विषय में आपको अलग से बहुत डिटेल में बताया था।
शारीरिक मन वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो अनब्रिडल डिजायर्स में उसका मन फंसा हुआ होता है, और वो उसकी आत्मा वाला पार्ट डेड होने के कारण परमेश्वर की आत्मा से उसका संपर्क नहीं हो सकता है। तो वो शारीरिक क्रियाओं के द्वारा ये एक्सप्रेस करता है, यानी प्रकट करना चाहता है कि वो परमेश्वर के लिए कितना साधना कर सकता है, उपवास कर सकता है, कितना प्रयास कर रहा है, कि वो परमेश्वर से कितना जुड़ा हुआ है। इसी को रिलीजन बोलते हैं। रिलीजन का मतलब शारीरिक मनुष्य जब कुछ करता है भावनाओं से भरकर, तो वो भावनाएं होती हैं, वो मनुष्य की आत्मा का प्रकटीकरण है, और इसलिए वो आत्मिक नहीं है। और ढेरों विश्वासी, मसीही विश्वासी इस तरीके की भावनाओं का शिकार हो जाते हैं। वो ऐसे लोगों को आत्मिक समझने लगते हैं। बहुत ज्यादा कोई प्रेयर कर रहा है तो उसको सोचते बहुत आत्मिक नहीं है। अब आप एक बात बताइए, प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन प्रार्थना करता था, लेकिन रात में करता था, एकांत में और अकेले। लेकिन उसने जितनी भी सेवकाई की उसमें प्रार्थना का कोई काम नहीं था। उसने प्रार्थना के द्वारा एक भी आश्चर्य कर्म नहीं किया। पढ़ के देख लीजिए चारों सुसमाचार। चैलेंज आपको है कि आप पढ़ के देख लो। हमने पढ़ा और देखा और समझा, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं पढ़ के देखो, पढ़ के कलाम देख लो। लोग वचन पढ़ते ही नहीं हैं, और पढ़ते भी हैं तो किस मानसिकता से पढ़ते हैं, किसी के बताए हुए तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आप उसकी मानसिकता से पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा पढ़ते हैं तो आप पवित्र आत्मा की दृष्टिकोण से जब पढ़ेंगे तो आपको प्रकाश मिलेगा। तब आपको वो चीजें जो आज तक नहीं समझ में आई वो भी समझ में आने लगेंगी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, उसको बोलते हैं रेवेलेटर, इल्यूमिनेटर, वो प्रकाशित करता वचन को, वचन का प्रकाश देता है हमको। हम आज इस विषय में आगे बढ़ेंगे। द सोल एंड द स्पिरिट आर टू प्राइमरी इमेटीरियल पार्ट्स अस्क्राइब्ड टू ह्यूमैनिटी इन स्क्रिप्चर। परमेश्वर के वचन में प्राण और आत्मा, ये दो ऐसे अंग हैं, ऐसे भाग हैं मनुष्य जीवन के, मानव जीवन के, जो शरीर के अलावा इनका कोई अंग नहीं होता। इमैटीरियल यानी ये कोई पदार्थ नहीं है। आप अगर कभी जाकर मेडिकल में MRI कराएं या अल्ट्रासाउंड कराएं तो आपको सोल और स्पिरिट नाम का कोई भी चीज नहीं मिलेगी। आपको वहां पर ऐसा कोई अंग नहीं मिलेगा जिसे आप प्राण कहते हैं या जिसे आप आत्मा कहते हैं। ये केवल और केवल इमैटीरियल है, लेकिन इसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य का जीवन इसी इमैटीरियल के अनुसार ही शासित होता है, या तो प्राण के अनुसार या आत्मा के अनुसार, और दोनों एक साथ ऑपरेट नहीं कर सकते। प्राण ऑपरेट करेगा तो आत्मा नहीं, और आत्मा ऑपरेट करेगा तो प्राण नहीं करेगा। तो ये एक बार में एक ही ऑपरेट करेगा, एक बार में दो ऑपरेट नहीं कर सकते। और शरीर एक ऐसा हमारा बाहरी वाह यानी एक्सटर्नल पार्ट है, जो आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो शरीर के अंग भी आपको दिखेंगे, और आप MRI कराएंगे तो भी शरीर के अंग आपको दिखेंगे, और शारीरिक अंगों के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन मेडिकल साइंस के पास है, और उसके अकॉर्डिंग मेडिकल साइंस हमारे शरीर के हर अंग का ट्रीटमेंट करती है। ये उनकी खोज है, उनकी स्टडी है, और वो लोग इस काम को करते हैं। लेकिन वो केवल हमारे शरीर को ही ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन दो भाग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा जीवन संचालित होता है और जहां से हमारा जीवन शासित होता है, वो केवल दो भाग हैं, वो हमारा प्राण और आत्मा। और ये दो ऐसे मुख्य भाग हैं, और ये बहुत टिपिकल है इसको अंडरस्टैंड करना। फिर भी आप परमेश्वर के वचन के नजरिए से जब चलेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। डिसर्निंग द प्रिसाइज डिफरेंसेस बिटवीन द टू कैन बी कंफ्यूजिंग। यहाँ पे बहुत सही बात लिखी है। प्राण और आत्मा को अगर आप बहुत बारीकी से इसको डिसर्न यानी परखना चाहेंगे तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मनुष्य के प्राण को ही मनुष्य की आत्मा कहा जाता है। संसार में लोग कहते हैं इसका प्राण निकल गया, या कहते हैं इसकी आत्मा निकल गई।
यही तो बोलते हैं। और आप देखिए लोगों में आत्मा की शांति के लिए वो लोग शांति सभा करते हैं। आत्मा की शांति के लिए, आत्मा किसको बोल रहे हैं? वो तो स्पिरिचुअली डेड था, वो उसके प्राण को ही आत्मा बोला जाता है क्योंकि निकलता प्राण है। आपने, हमने आपको दिखाया था परमेश्वर के वचन से कि यीशु मसीह ने क्रूसीफिक्शन के दौरान अपना आत्मा पिता के हाथ में सौंपा था, उसके बाद प्राण त्यागा था, उसका प्राण निकला नहीं था, उसका उसने अपना प्राण त्यागा था। प्राण त्याग देना, ये इसको कहते हैं बलिदान। उसने अपना प्राणों का बलिदान दिया क्योंकि वो अपना प्राण जब तक चाहता वो त्यागता नहीं। अब आप थोड़ा उल्टा चलिए, अगर प्रभु यीशु मसीह प्राण नहीं त्यागता तो क्या होता? अरे तो वो उद्धार का काम कभी पूरा नहीं होता, कभी पूरा नहीं होता। मालूम क्यों? क्योंकि उसको प्राण त्यागना, यानी वो प्राण त्यागने ही आया था और अपने प्राणों के, हमारे पापों के बदले उसने अपना प्राण त्यागा, तो उसको प्राण त्यागने का अधिकार भी था और उसको वापस प्राप्त करने का भी अधिकार था, उसके पास वरदान था। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने वरदान को समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए प्रयोग किया। उसने अपने वरदान को अपने आप को हीरो बनाने के लिए संसार में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। आज मसीही जीवन में ढेरों लोगों को जब पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है तो वो अपनी महिमा के लिए उसका, उसको इस्तेमाल करते हैं और वरदान के द्वारा वो अपनी महिमा करते हैं। देखो मैंने कर लिया, नहीं घमंड मत करना, प्रभु के सामने घमंड चलता नहीं है। वो तुम्हारे वरदान को सीज कर देगा, वो तुम्हारे उस वरदान को जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है ना, उसको सीज कर देगा। सीज करने का मतलब समझते हैं, उसको ब्लॉक कर देगा, फिर वो वरदान काम नहीं करेगा, बेकार हो जाएगा। आपको इसका उदाहरण मिलेगा बिलाम के द्वारा। बिलाम के पास ये वरदान था कि वो जिसको आशीष देता था, जिसके लिए आशीष बोलता था उसको आशीष मिलती थी और जिसके लिए वो श्राप बोल देता था उसको श्राप मिलता था, ये वरदान था। और उसने इस्तेमाल किया उस वरदान का, इसराइलियों को श्राप देने जा रहा था। जिन्हें परमेश्वर ने पहले से आशीषित ठहरा दिया उनको, और परमेश्वर ने इसराइलियों को क्या वरदान दिया था? इसराइलियों को यह वरदान दिया था, अब्राहम को जो वरदान मिला था, अब्राहम के वंशी इसराइली हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने यह वरदान दिया था कि जो तुझे आशीष देगा उसे आशीष मिलेगी, जो तुझे श्राप देगा उसे श्राप मिलेगा। अब देखिए परमेश्वर ने दो व्यक्तियों को उत्पत्ति में दो प्रकार का वरदान दिया। अब्राहम को उसने वरदान दिया, अब्राहम और उसके वंश को ये वरदान दिया था कि जो तुम्हें आशीष देगा उसे आशीष मिलेगी, जो तुम्हें श्राप देगा उसे श्राप मिलेगा। और बिलाम को वरदान दिया था कि जिसे तुम आशीष दोगे उसे आशीष मिलेगी, जिसे तुम श्राप दोगे उसे श्राप मिलेगा। अब आप यहां से चल के देखते हैं जब, तो आपको ये पता चलता है कि अब्राहम ने कभी किसी को श्राप क्यों नहीं दिया, क्योंकि अब्राहम को ना आशीष देने की जरूरत थी ना श्राप देने की जरूरत थी, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने जो वरदान दिया था वो ये था कि जो अब्राहम को आशीष देगा उसको आशीष मिलेगी और जो अब्राहम को श्राप देगा उसको श्राप मिलेगा। यही वाला वरदान मसीही लोगों पर लागू होता है। आपको जब लोग उल्टा सीधा बोलते हैं मसीही होने के नाते तो वो श्रापित हो जाते हैं। और आपको इसीलिए मसीही लोगों से ये बोला गया है कि तुम उन्हें क्षमा करो और तुम आशीष देना श्राप मत देना, क्योंकि तुम आशीष देने के लिए बुलाए गए हो। जब आपको कोई श्राप दे तब भी आशीष दो, क्योंकि ऐसा करने से ये साबित हो जाएगा कि तुम वास्तव में मसीही हो। और अगर तुम आत्मिक नहीं होगे, शारीरिक मनुष्य होगे और तुम कहोगे मैं मसीही विश्वासी हूं, तो तुम आशीष की, यानी जब तुम्हें कोई श्राप देगा तो तुम बदले में जैसे ही श्राप दोगे तो तुम परमेश्वर की योजना से बाहर हो जाओगे, तुम श्रापित हो जाओगे। अब आपको समझ में आया कि क्या चीज क्यों नहीं करनी है। बिलाम को परमेश्वर ने वरदान दिया था कि जब तुम आशीष दोगे तो आशीष ठहरेगी, श्राप दोगे तो श्राप ठहरेगा। वो परमेश्वर के अब्राहम के वंशजों को, इसराइलियों को श्राप देने जा रहा था। पहले तो परमेश्वर ने उसका रास्ता रोका, फिर उसके बाद वो फिर भी अपने बात पे अड़ा रहा, नहीं मैं जाऊंगा, क्योंकि उसको ऐसा करने के लिए पैसा दिया जा रहा था और वो पैसे के लिए अपने वरदान का प्रयोग करने जा रहा था। नेम फेम मनी, तीन चीजें उसको मिलनी थी, उसको राजा से तीन चीजें मिलनी थी, नेम फेम मनी। आज मसीही प्रचारक, ढेरों प्रचारक केवल इसलिए प्रचार कर रहे हैं कि उनका नाम हो, उनको शोहरत मिले और उनको पैसा मिले, नेम फेम मनी।
और वो परमेश्वर के वचन को दुरुपयोग कर रहे हैं, बिना पवित्र आत्मा के वचन को रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में लोगों को बोल रहे हैं, और इससे लोगों पे भी श्राप आ रहा है और उन पर तो श्राप आया ही, उनका गिफ्ट सीज हो गया, उनके प्रचार से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा सारी जिंदगी कर ले। और परमेश्वर ने बिलाम के इस वरदान को सीज कर दिया। उसने 7 बार उनको श्राप देने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने उसके मुख को अपने वश में लिया और उसके मुंह से आशीष निकाली, जिससे राजा जो उसे नेम फेम मनी तीनों चीज देने का वादा कर रहा था, उसने उनको कुछ नहीं दिया। उसने कहा तुमने मेरे साथ धोखा किया है, श्राप के बदले आशीष दे डाली। आप इन चीजों को स्पिरिचुअली डिसर्न कीजिए कि ये जो दिखाया जा रहा है इसका हमारे मसीही जीवन से डायरेक्ट रिलेशन है। द वर्ड स्पिरिट रेफर्स ओनली टू द इमटीरियल फैसेट ऑफ ह्यूमैनिटी। मानव जीवन में जो आत्मा है ये इमटीरियल है, इसका ये कोई शरीर की तरह कोई ठोस वस्तु नहीं है जिसे आप पकड़ सकें, छू सकें और जिसको आप देख सकें। ह्यूमन बीइंग्स हैव अ स्पिरिट बट वी आर नॉट स्पिरिट्स। मनुष्य के पास आत्मा तो है लेकिन मनुष्य आत्मा नहीं है, हमेशा याद रखिए, मनुष्य आत्मा नहीं है, परमेश्वर आत्मा है। और मनुष्य के पास आत्मा तो है लेकिन मनुष्य आत्मा नहीं है, तो फिर मनुष्य है क्या? परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा नहीं बनाया था, परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा दी थी ताकि परमेश्वर जो आत्मा है उसके साथ उसका संपर्क हो सके, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर और मनुष्य के बीच संपर्क स्थापित होता है आत्मा के पार्ट से। दूसरा, परमेश्वर मनुष्य आत्मिक होता है जिसके पास आत्मा जीवित होती है, और वैसे हर मनुष्य में आत्मा मृतक है। हम आदम के द्वारा आ रहे हैं और आदम आत्मिक तौर पर पहले जीवित था, तो वो पहले शारीरिक और आत्मिक तौर पर जीवित था और इसके बाद आत्मिक तौर पर मृतक हो गया, लेकिन शारीरिक तौर पर जीवित रहा और 930 वर्ष का होकर मरा शारीरिक जीवन में। और हम लोग अपने जीवन में, आज एज एवरेज बहुत घट चुका है और आगे और भी घटेगा, तो मानव जीवन श्रृंखला में एज एवरेज फिजिकल एज घटती जा रही है, लेकिन आत्मिक जीवन में आत्मिक जीवन जो है वो अनंत जीवन है। तो मनुष्य आत्मा नहीं बल्कि आत्मिक है। आने वाले पार्ट्स में हम आपको इसकी डेफिनेशन देंगे कि आत्मा और आत्मिक में क्या अंतर होता है। ठीक, अभी आप इसको समझिए कि मनुष्य आत्मा नहीं है, उसके पास आत्मा है लेकिन मनुष्य आत्मिक हो सकता है, आत्मा नहीं है। हाउएवर इन स्क्रिप्चर ओनली बिलीवर्स आर सेड टू बी स्पिरिचुअली अलाइव। लेकिन परमेश्वर के वचन में, जैसा कि परमेश्वर के वचन में केवल मसीही विश्वासियों को आत्मिक तौर पर जीवित बताया गया है, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 11 पद, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है। और मान लीजिए किसी मनुष्य में आत्मा है ही नहीं, वो अभी मसीह पर विश्वास नहीं लाया है, उसने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, वो बॉर्न अगेन नहीं हुआ, सीधी सी बात, वो अभी आत्मिक तौर पर जीवित नहीं हुआ है, उसका अभी इस पहला पुनरुत्थान नहीं हुआ है, तो उसके पास आत्मा नहीं है। वो किसी मनुष्य की बातों को, अपनी अपने हृदय की बातों को केवल जानता है, वो परमेश्वर की बातों को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, और चूंकि अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो उन बातों को वैल्यू नहीं देगा, अपने जीवन में प्राथमिकता नहीं देगा, वो प्राथमिकता शारीरिक बातों को देगा। वो जब भी बात करेगा तो केवल शारीरिक बात करेगा, उसके माइंड में जब भी बातें निकलेंगी मुंह से, कभी ये नहीं कहेगा कि प्रभु के वचन से हमको ये प्रकाश मिला या प्रभु का वचन हमने सुना यहां पे हमको ये चीज समझ में आई, नहीं बोलेगा, वो हमेशा शारीरिक बातें करेगा। क्यों? क्योंकि बॉर्न अगेन है, उसकी मजबूरी, वो बॉर्न अगेन नहीं है। और बॉर्न अगेन होने के लिए मन फिराना है, कहां शारीरिक बातों से मन फिराओ तब बॉर्न अगेन हो गए। और वो आपको मन फिराना, जीवन तो प्रभु देगा ना आत्मा को, वो कब देगा? जब वो आपसे संतुष्ट हो जाएगा पूरी तरीके से, हाँ इसने पूरा मन फिरा लिया, तो आपको वो आत्मा में जीवन दे देगा, आपकी आत्मा
पुनर्जीवित कर देगा। यही आत्मा का पुनरुत्थान, प्रथम पुनरुत्थान जिसे बोलते हैं। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 12 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। चोखा का मतलब क्या है? तेज, शार्प जी, जो प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेद देता है और मन की भावनाओं को और विचारों को, कौन कॉन्टेक्स्ट पे रहा कीजिए, कॉन्टेक्स्ट में क्या है? परमेश्वर का वचन। वचन क्या करता है? आप तो सोचते होंगे कि हम यहां आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं, कुछ नहीं होता है। आपके लेवल से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप परमेश्वर के लेवल से देखें ना, तो आपके मन को, विचारों को और आपके अंदर जो इच्छाएं बैठी हुई हैं उनको ताड़ रहा है, और वचन के अनुसार आप अभी भी टर्न नहीं हुए, ये भी देख रहा है, क्योंकि आप बॉर्न अगेन नहीं हो रहे हैं। और वो न्याय का दिन नजदीक आ रहा है और वो ये देख रहा है कि अभी ये कितना टाइम और लेगा। अनुग्रह को, ये अनुग्रह का समय है, इस समय को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, यानी बहुत इमीडिएट इस काम को करना चाहिए। अपना मन पूरी तरीके से संसार से 180 डिग्री फेर लो, एकदम उल्टे हो जाओ ना, हमको संसारिक जीवन से अब कोई वास्ता नहीं। वहां पे जो लोग खुश हो रहे हैं खुश हो लो, उनके साथ खुश हो लो, जो दुखी है उनके साथ दुखी हो लो, लेकिन उनके उसमें पचड़े में ना घुसो, ना तुम उनको सुख दे पाओगे ना उन्हें तुम दुख दे पाओगे, और दोनों ही चीजें तुम्हारे लिए गलत है। अगर तुम उन्हें सुख दोगे तो भी गलत, दुख दोगे तो भी गलत। तुम उनके साथ दुखों में दुखी हो सकते हो, उनके साथ उनकी खुशी में शामिल हो सकते हो, खुशी में खुशी मना लो, दुख में दुख मना लो, लेकिन इसके आगे तुम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए? पौलुस ने इन चीजों को बिल्कुल एकदम साधारण तरीके से बताया कि हम दूसरों के साथ उनके दुख में दुखी हो सकते हैं और उनके सुख में सुखी, यानी उनके साथ खुशी मना सकते हैं। तो आप लोगों की खुशी में जाएं तो खुशी मनाइए और उनके दुख में जाएं तो दुखी होइए, लेकिन उस दुख में जो उनको है, आपको समझदारी अगर ये है तो आप ये कहिए कि ये दुख जो है ये तुम्हारी खुशी में बदल सकता है अगर तुम यहाँ से चेत हो। उस समय आप उनको प्रेरित कर सकते हैं, प्रेरणा की बातें उनसे कह सकते हैं, क्योंकि मौके पर बोली गई बात जो है ना वो दिल में बैठ जाती है। और ऐसे मौकों पे लोग मालूम है उनके साथ इतना दुखी होते हैं, उनसे ज्यादा दुखी हो जाते हैं, ये गलत है। वो दुखी हैं क्योंकि उनके पास आशा नहीं है, और तुम उनके दुख में शामिल होने गए हो तो उनके दुख को धीरे से निथार के और उनको परमेश्वर का संदेश दो जो आशा का संदेश है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी प्रभु आपके लिए सब कुछ करेगा। उनको मोड़ो, मोल्ड करना। ये परमेश्वर का वचन जो है, ये पहली चीज तो जीवित है। जो आप वचन सुन रहे हैं ये लिविंग वर्ड है, ये आपके अंदर जा रहा है। और दूसरी चीज प्रबल का मतलब पावरफुल है, शक्तिशाली है। तीसरी चीज कि ये इतना शार्प है कि ये प्राण और आत्मा को अलग कर देता है। जब तक परमेश्वर के वचन के द्वारा आपका प्राण और आत्मा अलग नहीं किए जाते, तब तक आपका आत्मिक जन्म नहीं होता। आपको मालूम, इसी को कहते हैं बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाता है हृदय का खतना, जो हाथों से नहीं होता। फिर काहे से होता? परमेश्वर के वचन से होता है। ये वचन काटता है अंदर जाके, ये क्या करता है, ये हृदय यानी प्राण और आत्मा को अलग अलग करता है। दोनों इममटीरियल हैं, हाथ से खतना हो ही नहीं सकता इममटीरियल का। जब कोई ठोस चीज होगी उसे आप चाकू से काट सकते हैं, लेकिन जब कोई अदृश्य चीज है उसको आप कैसे काटोगे? है कोई युक्ति? तो फिर परमेश्वर ने ये विधि क्यों रखी? क्योंकि हृदय का खतना परमेश्वर की ओर से, और व्यवस्था में लिखा था, परमेश्वर ने अब्राहम से ही कहा था। अब्राहम को परमेश्वर ने यह बताया था
पूरी योजना सुनते जाइए। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि तेरे वंश के लोग 400 वर्ष तक मिस्र में गुलाम बनकर रहेंगे, दास हो जाएंगे, और फिर 400 वर्ष बाद मैं उनकी सुधि लूंगा, तुझसे की गई वाचा को स्मरण करूंगा, और फिर मैं उनको उस गुलामी में से निकालूंगा और उनको जंगल के मार्ग से ले जाकर उन्हें वो जगह दूंगा, वो देश दूंगा जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है, तुम्हारे वंश को दूंगा, इज़राइल द नेशन, प्रॉमिस्ड लैंड। लेकिन उस स्थान पर ले जाने से पहले मैं उनके हृदय का खतना करूंगा। और आप देखिएगा नेक्स्ट सीरीज में हम आपको दिखाएंगे कि परमेश्वर जब उनके हृदय का खतना करने लगा तो बहुत कम लोग वहां प्रॉमिस लैंड तक पहुंच पाए थे। बाइबल में लिखा है कि दो लोग, यहोशू और कालेब, बाकी सब वहीं रास्ते में निपट गए थे। ये फिजिकल माइंड और स्पिरिचुअल माइंड की बात है, इसको आप कंप्लीट अगले भाग में करेंगे। अभी हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि परमेश्वर प्राण और आत्मा को अलग करता है, कैसे? वचन के द्वारा। उसका वचन इतना शार्प है, और ये शार्प वचन जो है आज प्रचार नहीं किया जाता है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के शार्प वचन यानी तेज धार वाला वचन परमेश्वर की आत्मा के बिना आपको प्राप्त नहीं होगा। और यही वचन आपके प्राण और आत्मा को विभाजित करके उन्हें अलग करता है। इसीलिए जो सच्चे मसीही विश्वासी होते हैं उनमें आत्मा पाई जाएगी, और जो सच्चे नहीं होंगे उनमें आत्मा नहीं होगी, जिनका हृदय का खतना नहीं हुआ। अब इसमें एक इन्होंने चीज बताई कि कैसे विभाजित करता है। आप एक बात बताइए, आगे इसमें हल दिया हुआ है, अगर आप पवित्र आत्मा के चश्मे से जाकर देखें तो इस पद को फिर से हिंदी में पढ़िए कि परमेश्वर 4:12, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है, जो प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेद देता है। मालूम कैसे ये प्राण और आत्मा को अलग करता है? जैसे आपने देखा होगा, आप हड्डी लीजिए, हड्डी, और हड्डी के अंदर जो गूदा होता है, मैरो, बोन एंड मैरो, तो हड्डी आप जब देखते हैं तो आपको मैरो नहीं दिखेगा, लेकिन जब शार्प नाइफ से हड्डी को काटेंगे तो उसके अंदर मैरो मिलेगा। ठीक ऐसे ही प्राण और आत्मा है, प्राण के अंदर आत्मा छिपी हुई है, जैसे हड्डी के अंदर गूदा, और ये शार्प नाइफ से परमेश्वर क्या करता, दोनों को अलग कर देता है, प्राण को अलग और आत्मा को अलग। इसी को कहते हैं बॉर्न अगेन। पेनफुल, पेनफुल है, लेकिन आपको पेन इसमें पता नहीं चलेगा। पेन आपको क्या होगा मालूम है? संसार को, संसारिकता को त्यागना, यही पेन है। और परमेश्वर को, परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ना जो अदृश्य है, आपको कुछ नहीं मालूम है कि कहाँ हमारा भविष्य क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे और हमें क्या मिलेगा, बिल्कुल सन्नाटा। आपको प्रभु पर पूरा भरोसा रखना पड़ेगा कि वो ले जाएगा तो वो हमें जीवन ही देगा, अनंत जीवन देगा, और मार्ग में हमारी सारी, मार्ग में का मतलब फिजिकल लाइफ में हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता जाएगा, और अंत में हमें अनंत जीवन देगा और परमेश्वर के राज्य का वारिस बना देगा। दैट्स ऑल। तो मार्ग की चिंता आपको ज्यादा रहेगी। ठीक, लोग ये चिंता करते हैं हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, मसीह में आने से पहले लोगों की यही टेंशन है। अब आप देखिए कि ये प्राण और आत्मा को वार पार छेद देता है, और गांठ गांठ गूदे को जैसे अलग करता चाकू, वैसे ही अलग अलग कर देता है। इसके बाद एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, याकूब की पत्री 2:26। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी, अगर आप विश्वास करते हैं और विश्वास के अनुसार चलते नहीं हैं, विश्वास का कार्य नहीं करते हैं, तो आप स्पिरिचुअली डेड हैं। अब आप इससे भी जाके देख लेंगे, तो अगर आप लगातार परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं और कर्म क्या है, मन फिराना, और फिर भी आप शारीरिक बातों से मन नहीं फिरा रहे, तो आप मुर्दा स्थिति में हैं, फिजिक स्पिरिचुअली डेड हैं। बिल्कुल साफ साफ वचन बता रहा है।
अनबिलीवर्स आर स्पिरिचुअली डेड, जो अविश्वासी लोग हैं वो स्पिरिचुअली डेड हैं, आत्मिक तौर पर मृतक हैं। इफिसियों की पत्री उसका 3:2 उसका 1-5 पढ़ दीजिए। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में अभी भी कार्य करता, आज भी वैसे ही कार्य कर रहा है आज्ञा ना मानने वालों में। तो लोग क्या नहीं कर रहे हैं, आज्ञा नहीं मान रहे हैं। आप परमेश्वर का वचन सुन के कितनी आज्ञा मान रहे हैं? तो अभी आप इसका मतलब आउट एंड आउट यू आर स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड, यू आर नॉट रेडी येट, अभी भी आप इस बात के लिए राजी नहीं है कि हम परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मन फिरा लेना चाहिए था, जो पहले वो अभी तक हमने फिराया नहीं, लेकिन अभी हम चाह रहे हैं कि हमें पूरा पता चल जाए पहले क्या मिलेगा। मसीह से आपको कुछ नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा मन फिराने के बाद सब कुछ मिलेगा, क्योंकि वारिस बनाने की बात कर रहा है, इसका मतलब सब कुछ मिलेगा। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि हमको सब कुछ मिलेगा, और जब तक हम मन नहीं फिराएंगे हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये मास्टर लाइन आपको दे रहा है जी। अब इसके बाद एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, कुलसियों की पत्री 2:13। इन पॉल्स राइटिंग द स्पिरिचुअल इज पिवोटल टू द लाइफ ऑफ द बिलीवर, यानी जो आत्मिक व्यक्ति है, पिवोटल का मतलब होता है दरवाजा होता है, दरवाजा अपनी धुरी पर बाहर भी जाता अंदर भी आता, बंद भी होता खुलता भी, वैसे ही आत्मिक मनुष्य शारीरिक जीवन में भी जाता और आत्मिक जीवन में भी रहता, शारीरिक जीवन में भी और आत्मिक जीवन में पिवोटल होता है, यानी वो इधर उधर आ जा सकता है जी। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की, ये कि यहां खतना आया, खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ यीशु मसीह के साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। ये यीशु मसीह ने कर दिया है, आपको विश्वास करना पड़ेगा और अपना मन फिराना पड़ेगा। इसी के साथ साथ हम एक और पद देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 2:14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं, सुनता है, सुनने के लिए नहीं लिखा नहीं सुनता है, सुनता है, वो उस पर विश्वास नहीं करता, ग्रहण नहीं करता, मतलब विश्वास नहीं करता, क्योंकि अगर विश्वास करता या ग्रहण करता मन फिरा लेगा, जिस दिन मन फिरा लेगा उस दिन समझ लो ग्रहण कर लिया जी। क्योंकि वे बातें जो परमेश्वर के वचन की बातें उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है, और आत्मिक वो है नहीं, और जब तक आत्मिक बनेगा नहीं तब तक उसको मालूम नहीं चलेगा। इसलिए आपको परमेश्वर के वायदे कभी समझ में आएंगे करेगा का, इसीलिए यहां पर एक ऐसी दशा है जो आपको विश्वास से ही पार करनी है। 3 अध्याय 1 कुरिन्थियों 3:1 पढ़िए। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु ऐसे बातें करनी पड़ी मुझे जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में, तो मसीह में जो बालक है, इसका मतलब इसमें भी बॉर्न अगेन वाले ही लोग हैं, जो बॉर्न अगेन तो हो गए हैं लेकिन वो आत्मिक जीवन में ग्रो नहीं किए, तो वो भी आत्मिक बातें नहीं समझेंगे, वो भी सांसारिक लोगों की तरह है, इक्वल टू वर्ल्डली पीपल। इमेच्योर क्रिश्चियंस इज इक्वल टू वर्ल्डली पीपल, तुम्हें आप सांसारिक मसीह कह सकते हैं, सांसारिक मसीह हैं, क्योंकि वो भी संसार में और संसार की रीति पर ही चल रहे हैं। इफिसियों की पत्री उसका 1:3 पढ़िए। इफिसियों की पत्री 1:3, हमारे प्रभु
यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। आपको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बॉर्न अगेन होना पड़ेगा और आत्मिक तौर पर ग्रो करना पड़ेगा, परिपक्व होना पड़ेगा, तो आत्मिक आशीषों के भागीदार हो जाएंगे, बल्कि वारिस बन जाएंगे। और इसीलिए पौलुस ने लिखा, वारिस जब तक नाबालिग है उसमें और दास में कोई अंतर नहीं। आप भी सांसारिक लोगों की तरह दास है, सांसारिक बातों के दास है, आदि शिक्षा के दास है। ये इफिसियों की पत्री 5:19 पढ़ दीजिए। और आपस में भजन और स्तुति गान और धार्मिक गीत क्यों नहीं लिखा? धार्मिक गीत में और आत्मिक गीत में क्या अंतर है? क्या अंतर है बताइए, तो कोई एग्जांपल देके बताइए ये अंतर है। नहीं, आत्मिक गीत बोला है, आत्मा का नहीं बोला है। आत्मिक गीत का मतलब मनुष्य हमारी आत्मा से हम गीत गाएं। पौलुस ने कहा मैं शब्दों में भी गाऊंगा, मैं शरीर में भी गाऊं, शरीर से भी गाऊंगा और आत्मा से भी गाऊंगा। जब आप आत्मिक तौर पर परिपक्व हो जाएंगे तभी ऐसा कर पाएंगे, नहीं तो आप शरीर से तो भजन कीर्तन करेंगे लेकिन आत्मा से नहीं करेंगे। इसको भी आप आगे और समझेंगे। हालेलुया, शारीरिक और आत्मिक का अंतर है जी। और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कहां? कलीसिया में। हाँ, और लोग मालूम है फिजिकली क्या कर रहे हैं? ये काम फिजिकल कर रहे हैं, कलीसिया में भजन कीर्तन करने में लगे हुए शरीर में। इसका क्या प्रयोजन? प्रभु ने कहा ही नहीं, प्रभु तो आत्मा, उसको तुम्हारे शारीरिक क्रियाओं से क्या मतलब? अन्य जाति भी भजन कीर्तन कर रही शारीरिक तौर पर और तुम भी वही कर रहे हो, तो अंतर बताइए क्या है? कोई अंतर है? तुम्हारा भजन कीर्तन का शोर किसी को सुनाई नहीं देगा क्योंकि कहां चल रहा मन है। तो क्या कोई आपको नॉइज पॉल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण में कोई आप पर एक्शन हो सकता है? प्रभु को मालूम था आने वाले युग में ये वाली प्रॉब्लम आई ध्वनि प्रदूषण, इसलिए उसने फिजिकल एक्ट सब खत्म कर दिया। उसने कहा मन में भजन कीर्तन करते रहो, करो नहीं लिखा, करते रहो यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगातार। आप अपने मन में क्या करते? चिंताएं करते रहते हैं, परेशानियों को डिस्कस अपने मन में चिंतन मनन करते रहते हैं, अरे ये हो गया तो फिर ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे। आपके मन में क्या चल रहा है? झूठ मत बोलना, वो उसका वचन ताड़ लेता है। तुम्हारे मन में क्यों ऐसा चल रहा? मन फिराओ, तुम्हारे मन में ये नहीं चल रहा जी, भजन कीर्तन करते। भजन कीर्तन का मतलब प्रभु के वचन पे मनन करते रहो और भजन, जब आप परमेश्वर के वचन से जब आपको प्रकाश मिलता है ना तो हृदय से गीत निकलता है, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरी महिमा, अरे तू बहुत महान है, तूने ये चीज हमें स्पष्ट कर दी। आपको प्रकाशन नहीं मिल रहा है, उसका कारण है कि आपके मन में शारीरिक बातें भरी हुई है और शारीरिक क्रियाओं में आप लगे हुए हैं, आपका मन उसी में बिजी है, किसके लिए क्या करना है, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, बस यही लगे हुए शारीरिक बातों में क्यों मन लगा रहे? सब चीजें आपसे आप होंगी, तुम प्रभु में प्रभु की ओर बढ़ो, देखो सब चीजें तुम्हारी तुम्हारे पास आ जाएंगी। और तुम चीजों की तरफ लपकोगे तो प्रभु को से भी जाओगे और वो चीजें भी तुमसे दूर चली जाएंगी। करके देख लो, अनुभव करके देख लो, ये मसीही जीवन है, शारीरिक जीवन नहीं है और ना धार्मिक जीवन है। धार्मिक गीत मत गाना, आत्मिक गीत का मतलब होता है जिस गीत को तुम्हारे साथ सब गाएं, आत्मिक गीत, जैसे परम पिता की हम स्तुति गाएं, सब लोग गा सकते हैं, सारी सृष्टि के स्वामी तुम ही हो, सब लोग गाएंगे, सांसारिक लोग भी आपके साथ ज्वाइन करेंगे, ये आत्मिक गीत है। हालेलुया, धीरे धीरे समझ खुलेगी। इसी के साथ एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिला, कुलसियों की पत्री उसका 1:9। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित
परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। ये नहीं कि तुम्हारी लॉटरी खुल जाए, इसके लिए दुआ नहीं करते हैं। ये पौलुस है। पौलुस कलीसिया के लिए किस बात के लिए प्रार्थना करता था? विषय क्या था? प्रभु इन्हें धन दे दे। हाँ, सारे आत्मिक ज्ञान सहित परमेश्वर और समझ सहित परमेश्वर की आत्मिक बातों में परिपक्व हो जाओ। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के लिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करा आत्मिक। हम आपको पूरा बता रहे, बाइबल कभी भी आपसे फिजिकल वायदे नहीं कर रही है, बाइबल हमेशा स्पिरिचुअल। आप क्यों उसको फिजिकल का केंद्र बनाए हुए लोग? ये धोखा देना है, आपका मन आपको धोखा देता है। कुलसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 16 पद, मसीह के वचन को अपने हृदय में, ये तब तक संभव नहीं जब तक आपका हृदय का खतना नहीं हो जाए। हृदय यानी प्राण और आत्मा अलग अलग नहीं होंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। कैसे? प्रतिदिन तुम बाइबल स्टडी करोगे, तुम्हारे हृदय में वचन भर जाएगा जी। और सिद्ध ज्ञान सहित, यानी पहले खुद सिद्ध हो जाओ वचन से और फिर दूसरों को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत। कहां? मन में। यहां भी देखिए, मन में आपको एक एक द स्पिरिट इज द एलिमेंट इन ह्यूमैनिटी दैट गिव्स अस द एबिलिटी टू हैव एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड। मनुष्य में जो आत्मा परमेश्वर ने रखी है, जब हम स्पिरिचुअली बॉर्न अगेन हो जाते हैं, तब मनुष्य की आत्मा, केवल मनुष्य की आत्मा परमेश्वर के साथ एक बहुत निकट का रिश्ता निभाती है। परमेश्वर की आत्मा के साथ वो एक हो जाती है। जो कोई प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो पवित्र आत्मा और हम मनुष्य की आत्मा जब एक हो जाती है, तब वो मनुष्य आत्मिक तौर पर परिपक्व हो जाता है और पवित्र आत्मा के फलों का प्रकटीकरण हो जाता है। प्रूफ है वहां, और इस प्रूफ के बिना कोई मसीह में नहीं है। धोखा मत खाना। द वर्ड स्पिरिट रेफर्स टू द इमेटीरियल पार्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी दैट कनेक्ट्स विद गॉड हु हिमसेल्फ इज स्पिरिट। ये मनुष्य मानव का जो आत्मा है, यही एक ऐसा भाग है जो परमेश्वर के साथ कनेक्ट होता है और परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में आ जाता है। और वही क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 24 पद, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले और आत्मा और सच्चाई से। सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। और आत्मा क्या है? सत्य का आत्मा। तो सत्य का आत्मा और सत्य के वचन से परिपूर्ण होकर जब तुम उसकी आराधना करते हो, वही आराधना वो ग्रहण योग्य है। और शरीर में जो कुछ तुम करते हो वो ग्रहण योग्य है नहीं। तुम अपने मन की तसल्ली के लिए करते हो और उससे तुमको परमेश्वर को कोई संबंध नहीं है। द वर्ड सोल कैन रेफर टू बोथ द इमेटीरियल एंड मटीरियल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी। लेकिन प्राण यानी सोल, ये एक ऐसा भाग है जो दोनों पार्ट में है। ये मटीरियल भी है और इमटीरियल भी है, यानी ये एक पदार्थ भी है और पदार्थ नहीं है। इसके दो भाग हैं प्राण के। और ये दो भाग क्या हैं? वो ये है, ह्यूमंस हैव अ स्पिरिट बट आर ह्यूमंस हैव अ स्पिरिट बट आर सोल्स। मनुष्य के अंदर आत्मा तो है लेकिन उसका प्राण ही वो आत्मा है, लेकिन वो आत्मा नहीं है, वो है प्राण। मनुष्य के अंदर जो आत्मा जिसको बोलते हैं लोग, वो आत्मा नहीं, वो है प्राण। आर सोल्स वो प्राणी है। इन इट्स मोस्ट बेसिक सेंस, इसके सबसे आधारभूत मीनिंग क्या है कि बेसिक सेंस, द वर्ड सोल मींस लाइफ। ये इसका बेसिक सेंस ये है कि जो प्राण वर्ड है, सोल वर्ड है, इसका मतलब होता है जीवन, लाइफ।
बियॉन्ड दिस एसेंशियल मीनिंग, इस मीनिंग के अलावा इसका कोई और मतलब नहीं है। इसके अलावा एक और मीनिंग है, द बाइबल स्पीक्स ऑफ द सोल इन मेनी कॉन्टेक्स्ट। इसके अलावा जो मीनिंग है वो इमटीरियल पार्ट में, उसके विषय में बाइबल कई संदर्भों में बात करती है। जैसे वन ऑफ दीज इज इन रिलेशन टू ह्यूमैनिटीज बेसिक सेल्फिशनेस, यानी लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 19 पद पढ़िए, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। ये कौन मनुष्य? ये मनुष्य की आत्मा बोल रही है, लेकिन ये जो बोल रही है ये इमटीरियल पार्ट है। एक तो मटीरियल पार्ट है, हार्ट जो है वो प्राण का हिस्सा है, लहू जो है वो भी प्राण का हिस्सा है, ये मटीरियल पार्ट है। जब आप मेडिकल में जाते हैं तो आपके खून की जांच होती है, आपके हृदय की जांच होती है, लेकिन डॉक्टर कभी भी हृदय में उत्पन्न होने वाले विचारों को कभी नहीं समझेगा कि आप मन में क्या सोच रहे हैं। बीपी बढ़ रहा है, डॉक्टर आपके शरीर को इलाज कर रहा है, हार जाएगा जब वो कहेगा पता नहीं आप कहां सोच रहे हैं। अब आप अपना दुखड़ा उसको सुनाएंगे क्या? और अगर आपने सुना भी दिया तो उसके पास इसका हल क्या है? वो कहेगा ये तो हमारे साथ भी हो रहा है, डॉक्टर भी इसी चीज से पीड़ित है, उसका भी बीपी बढ़ रहा है। अब बताइए, तो इमटीरियल पार्ट ही तो आपको जीवन में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। आपके मन में क्या विचार है कि ढेर सारी धन संपत्ति होगी जब तक हम जीवित हैं, हमें चैन मिले, उसके बाद हमारे बच्चे और बच्चों के बच्चे भी चैन से खाए पिए मौज करें, हम चले जाएं तब। यही तो लोग चाहते हैं। क्या ये चीज किसी की आज तक पूरी हुई है? जिनके पास बहुत है उनके घर में झांक के देख लीजिए उनके जाने के बाद क्या हो रहा है, उसी के पीछे लड़ाइयां हो रही हैं, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, मार काट चल रही है, और जो जब तक वो रहे उनको भी उससे कोई फायदा नहीं हुआ, आधे ज्यादा मेडिकल में चला गया, कहीं डॉक्टर ले गया, कहीं वकील ले गया, कहीं कुछ चाहिए, फिर भी धन के लिए परेशान, भर जाए घर। देखिए, ह्यूमन बीइंग्स हैव अ सिंफुल नेचर, मानव जीवन जो है वो पापी स्वभाव का है, पाप का स्वभाव है मनुष्य में, है ह्यूमन बीइंग हैव अ सिंफुल नेचर एंड आवर सोल्स आर टेंटेड विद सिन, और हमारा जो प्राण है वो पाप के कारण पाप से भरा हुआ है, उसमें पाप का दोष है, टेंटेड बाय सिन विद सिन। द सोल एज द लाइफ एसेंस ऑफ मेनी ऑफ द बॉडी इज रिमूव्ड एट द टाइम ऑफ फिजिकल डेथ, हमारे शारीरिक मृत्यु के समय हमारा ये वाला भाग जो हमसे अलग हो जाता है, जो हमें जीवन दे रहा है यानी प्राण हमसे हमारे अंदर से निकल के चला जाता है। उत्पत्ति पुस्तक 35 अध्याय 18 पद, तब ऐसा हुआ कि वो मर गई और प्राण निकलते उसने उस बेटे का नाम क्या रखा? बेनोनी रखा। ये पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। बेनोनी का मतलब बिन्यामीन ही होता है, बेनोनी बोला जिसको उसने बाद में बिन्यामीन कर दिया। तो ये बिन्यामीन का गोत्र, आप देखिए जो पौलुस है वो कौन से गोत्र से? बिन्यामीन गोत्र, ये राजाओं का गोत्र था बिन्यामीन से जी। अभी इसके बाद देखिए, द सोल एज विद द स्पिरिट, जैसे कि प्राण भी आत्मा की तरह इज द सेंटर ऑफ मेनी स्पिरिचुअल एंड इमोशनल एक्सपीरियंसेस, ये बहुत से भावनात्मक और आत्मिक भावों से भरा हुआ है। या तो आपको जो शारीरिक भाव होते हैं उसको इमोशंस बोलते हैं, और जो आत्मिक भाव होते हैं वो स्पिरिचुअल इमोशंस होते हैं, वो ये दोनों भावों से भरा हुआ है। अय्यूब की पुस्तक 30 अध्याय उसका 25 पद, क्या मैं उसके लिए रोता नहीं था जिसके दुर्दिन आते थे, क्या दरिद्र जन के कारण
मैं प्राण में दुखित ना होता। तो जब आप किसी के लिए दुखित होते हैं, अपने प्राण में ही तो होते हैं, अपने अंदर हृदय में आपका हृदय दुखी होता है। वैसे ही भजन संहिता 43 अध्याय का 5 पद पढ़िए। हे मेरे प्राण तू क्यों उदास है। गिरा जाता का मतलब लो फील कर रहा है। प्राणों में जब लो फील करते हैं, डिप्रेशन की स्टेज, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। जब आपका प्राण व्याकुल होता है तो गिरने लगता है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। पहले दर्शन पाऊंगा, उद्धार पाऊंगा और फिर उसका धन्यवाद करूंगा। बिल्कुल यही स्टेप्स उद्धार के हैं। उसके बाद एक और पद पढ़ दिए, यर्मिया नबी की पुस्तक 13 अध्याय का 17 पद। पर यदि तुम इसे ना सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़े बंधुआ कर ली गई हैं, बंधुआई में चली गई हैं। परमेश्वर के लोग बंधुआई में चले गए और भविष्यवक्ता रो रहा है। वीपिंग प्रॉफिट बोलते हैं यर्मिया को। द वर्ड सोल कैन रेफर टू द होल पर्सन। ये जो प्राण है ये हमारे पूरा हमारा व्यक्तित्व है। आप जो है वो एक्चुअल में आप प्राण है, इसलिए प्राणी कहते हैं। वेदर अलाइव ऑन अर्थ और इन द आफ्टर लाइफ, चाहे आप इस पृथ्वी पर जीवित हो या आपकी मृत्यु हो गई हो, आप प्राण ही कहलाएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8 अध्याय का 9 पद पढ़िए, 6-9। जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। प्राणियों को देखा, देखिए मरने के बाद भी वो प्राणी देख रहा है, यानी प्राण देख रहा है। तो प्राण एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर के पास चला जाता है और वहां पर एक जगह सुरक्षित रखा जाता है। प्राणियों को देखा गया है स्वर्ग में, और जीते जी आप शरीर में हैं तो आप प्राणी हैं, लेकिन अभी आपका शरीर दिख रहा है, लोगों को प्राण नहीं दिख रहा। थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, आपके वचन के प्रकाश के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा, हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु प्रतिदिन हम आपके आत्मा का प्रकाश प्राप्त करके अपना जीवन हमारे जीवन में आत्मा के प्रकाश की भरपूरी हो, ताकि हमारा जीवन प्रकाशमय हो, प्रकाशमान हो, ताकि परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा सब उन लोगों के जीवन से जिनका जीवन प्रकाशमान है उनके द्वारा महिमान्वित होने पाए, क्योंकि हम सबके प्रकाश का स्रोत प्रभु यीशु मसीह ही है। हम धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष दे।